भारत में जहां दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, इसी भारत में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। 18 मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था, जो कि प्रगति मैदान में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इस म्यूजियम में हमारी युगों पुरानी गाथा को दिखाया जाएगा। इसमें बताया गया है कि हमारे पूर्वज कौन थे जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की नींव रखी थी, जिनके मार्गदर्शन में वैभवशाली सभ्यता का विकास हुआ, जिनके संरक्षण में ज्ञान विज्ञान की अतुल संपदा विकसित हुई और जिन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रचा। भारत का यह बेजोड़ संग्रहालय 1,17,000 वर्ग मीटर के विस्तार में बनके तैयार हो रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर के दोनों खंडों के 950 कक्षों में भारत की लगभग 5,000 वर्ष पुरानी अतुल सांस्कृतिक ज्ञान संपदा संग्रहित की जा रही है। यहाँ जानने को मिलेगा भारत की उस ज्ञान परंपरा के बारे में, जिसमें युगों पहले भारत ने सुनियोजित नगर व्यवस्था विकसित कर ली थी। यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी मिलेगी। क्या कभी आपने सोचा क्यों भारत में पर्वतों, समुद्रों, पेड़ों और नदियों की पूजा होती रही है? हजारों साल पहले ही हमारे विद्वान इस बात को जानते थे। जिन 5 तत्वों से वो एक सूत्र से बंधा था, वेदों उपनिषदों में केवल आध्यात्मिक ही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ज्योतिष और विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों का ज्ञान समाहित है। यही नहीं, ऋग्वेद में त्वचा रोग विशेषज्ञ ऋषि अपाला का वर्णन मिलता है। सुश्रुत की शैल्य चिकित्सा, चरक के सिद्धांत और पतंजलि के अष्टांग योग की प्रासंगिकता हैरान करने वाली है। वहीं विश्वविद्यालयों का प्रचलन भारत में 2000 साल से भी पहले से था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे अनेक विद्यालयों को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त थी। राष्ट्रीय संग्रहालय में इनकी जानकारी के माध्यम से भारत ज्ञान परंपरा से लोगों को परिचित कराया जाएगा। ऐतिहासिक धरोहर, वैभवशाली मौर्य साम्राज्य के उत्थान और विस्तार के साथ यहाँ सातवाहन, पल्लव और कुषाण गुप्त वंश का स्वर्णिम काल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य वंश और कश्मीर आदि के शासन की गौरव गाथाएं संकलित है। सोने की चिड़िया भारत का वैभवशाली गुप्त वंश हो या दक्षिण भारत के चूल, चेर, पांड्य वंश, सभी के व्यापारिक संबंध पश्चिम में मिस्र, ग्रीस और रोम तक फैले थे। लोगों को इन सभी ऐतिहासिक धरोहर से परिचित होने का मौका भी मिलेगा। मध्ययुगीन भारत, युग परिवर्तन के साथ मध्यकाल में प्रवेश करने पर राजपूतों की शौर्य गाथा के साथ चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, सिसोदिया और राजपूत राजाओं के केवल शौर्य गाथाएं ही प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि उनके संरक्षण में कला, शिल्प, संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। संग्रहालय में इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। युग परिवर्तन, राजपूतों, मराठों और मुगल शासकों के युग में उत्तर पूर्वी भारत में अहोम शासन और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध वास्तु सिद्ध देखते हुए यादव, मराठा शासकों का इतिहास भी यहाँ देखने को मिलेगा। इसके आगे परिवर्तन के उस दौर की जानकारी भी मिलेगी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली थी। स्वतंत्रता आंदोलन, पांचवें जोन में देखने को मिलेगा कि कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के साथ औपनिवेशिक शासन का विस्तार शुरू हुआ था। 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मोर्चा संभाला जिसे कंपनी 40 सालों तक दबा नहीं सकी। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई में आहुति देने में उतर पड़े। लगभग 2 शताब्दी लंबे भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथाएं यहां संकलित मिलेंगी। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्र तिरंगा लहराया। ये सच है कि स्वतंत्र भारत के आगे अनेक आर्थिक, सामाजिक चुनौतियां थी। हर चुनौती को पार करने के लिए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और तब जाकर तैयार हुआ भारत का संविधान। इसके बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। विज्ञान में आधुनिक भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है, नई दिशाओं में, नए प्रयोगों में नया आयाम तय कर रहा है। राष्ट्र को सुरक्षित बनाने के लिए नए प्रयास जारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची उड़ान दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। डिजिटल संसार, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापार विस्तार, शिक्षा का उत्थान प्रसार इस नए जोन के अन्य कक्षों में संकलित होंगे। दोस्तों, इस प्रकार युगे युगेन भारत विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय हमें देश के अतीत से लेकर आधुनिक युग तक उन तमाम ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को पेश करेगा
जिन्होंने भारत के वर्तमान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया है।